हाय गाइस, वेलकम बैक टू लर्निंग हिमाचल। सो आज का हमारा टॉपिक है विटामिन्स। विटामिन्स जो होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी में फंक्शंस को कैरी आउट करने में हेल्प करते हैं। ये ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस नहीं होते हैं, पर जो हम जो है अपनी डाइट के थ्रू है, अपने फूड के थ्रू ड्राइव करते हैं इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को। ये मेनली टू टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं फैट सोल्यूबल्स और दूसरे होते हैं वाटर सोल्यूबल। जो हमारे फैट सोल्यूबल होते हैं वो हमारे बॉडी के लीवर और बॉडी टिश्यूज़ में स्टोर होते हैं, और जो हमारे वाटर सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं वो हमारी बॉडी के टिश्यूज़ में स्टोर नहीं होते हैं। विटामिन सी और वी जो है वो वाटर सोल्यूबल होते हैं, और जो हमारा विटामिन ए डी ई एंड के वाइट होते हैं वो हमारे फैट सोल्यूबल होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नंबर वन, विटामिन ए। विटामिन ए का जो हमारा साइंटिफिक नेम है वो है रेटिनोल, और सबको पता है कि इसके जो फूड सोर्सेज हैं वो जनरली कौन से होते हैं, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, पम्पकिन, स्क्वैश, स्पेनिश एंड डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, इसके फूड सोर्सेज होते हैं। और जब इसकी कमी हो जाती है बॉडी के अंदर तो डिज़ीज़ कॉज करता है, और वो डिज़ीज़ होती है नाइट ब्लाइंडनेस। नंबर टू, विटामिन वी। विटामिन वी के जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, तो सबसे पहले आएगा विटामिन बी वन, जिसका साइंटिफिक नेम है थायमिन, और इसका जो फूड सोर्स है वो है ब्राउन राइस, वेजिटेबल्स, एग। और जो डिजीज़ काउज करता है जब इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो वह होती है बेरी वेरी डिजीज़। नेक्स्ट नंबर थ्री हमारा है विटामिन वी टू। विटामिन वी टू का जो साइंटिफिक नेम है वो है राइबोफ्लेविन, और इसका जो फूड सोर्स है वो है डेयरी प्रोडक्ट्स, बनानास, ग्रीन बीन्स एंड एस्पेरेगस। और जो डिजीज़ कॉज करता है वो होती है जब इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है रेवियोफ्लेबिनोसिस। और नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन वी थ्री, और विटामिन वी थ्री का साइंटिफिक नेम है नाइसिन, और नाइसिन के साथ इसका एक और नाम है निकोटिनिक एसिड। और इसका जो हमारा फूड सोर्स है वो है मीट, फिश, एग, वेजिटेबल्स, मशरूम एंड ट्री नट्स। और जो डिजीज़ काउज करती है जब वी थ्री की डेफिशिएंसी हो जाती है तो वो डिजीज़ है प्लेग्रा। नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन वी फाइव। विटामिन वी फाइव का साइंटिफिक नेम है पैंथोथेनिक एसिड, और जो इसका डिजीज़ काउज होती है जब वी फाइव की डेफिशिएंसी हो जाती है तो हार्ट बर्न, नोज़िया, ये सारी डिजीज़ होती है काउज होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वी सिक्स, और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है पेरीडॉक्सिन, और इसका जो फूड सोर्स है वो है मीट, वेजिटेबल, ट्री नट्स, बनाना। और ये डिजीज़ काउज करता है जब इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो नर्व डैमेज एंड साथ में अनीमिया, ये इसकी डिजीज़ काउज करती है जब वी सिक्स की डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है विटामिन वी सेवन, इसका साइंटिफिक नेम है वायोटिन, और ये इसका जो फूड सोर्स है वो है रॉ एग्स, योक, लीवर, पीनट्स, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स। और ये जो डिजीज़ काउज करता है जब वी सेवन की डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में तो वो होती है डर्मेटिटिस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास नंबर एट विटामिन वी नाइन, एंड दिस इट्स साइंटिफिक नेम इज़ फॉलिक एसिड, और इसका जो हमारे पास फूड सोर्स है वो वही मेनली वो ही है लीफी वेजिटेबल्स, सीरियल्स एंड लीवर ऑयल। और इसकी डेफिशिएंसी जो है प्रेगनेंसी के साथ भी एसोशिएटेड है कि जब वी नाइन की डेफिशिएंसी जो है प्रेगनेंसी के टाइम पे होती है तो वो बर्थ डिफेक्ट कॉज करती है, और मेनली न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कॉज करती है जो हमारा फीटस होता है या बेबी होता है उसके अंदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर नाइन विटामिन वी ट्वेल्व, और इसका साइंटिफिक नेम है कोवाल्मिन। और वी ट्वेल्व जो होता है सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा विटामिन वी का एक पार्ट है वी ट्वेल्व, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे रेड ब्लड सेल को बनाने में और डीएनए बनाने में। ये हमारे ब्रेन की डेवलपमेंट और नर्व सेल की डेवलपमेंट और उनके फंक्शन में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और मेनली जो डिजीज़ काउज करता है जब वी ट्वेल्व की डेफिशिएंसी हो जाती है तो वो होता है अनीमिया।
ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 10, विटामिन सी। अब जो इसका साइंटिफिक नेम है वो है अस्कॉर्बिक एसिड। और इसके जो मेनली इसके जो फूड सोर्स होते हैं वो फ्रूट्स होते हैं, जैसे ऑरेंज, ग्रेपफ्रूट एंड ब्रोकली, गोट मिल्क इसके फूड सोर्स हैं, और बहुत सारे वेजिटेबल्स इसकी जो है वो फूड सोर्स हैं। और ये जो है हमें की कब जरूरत होती है, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द टिश्यू इन ऑल पार्ट ऑफ अवर बॉडी। ये इट आल्सो हेल्प द बॉडी मेक ब्लड टू मेक द मेक एंड ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। और ये हमारे हीलिंग बॉन्ड्स के लिए सबसे ज़रूरी होता है, जो हमारे बोन्स होते हैं जब हमें कब कट लग जाता है तो उनकी हीलिंग के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो विटामिन होता है वो विटामिन सी होता है। और ये जो है बाई इनहिबिटिंग मेलानिन प्रोडक्शन, जो मेलानिन होता है हमारे बॉडी के अंदर होते हैं उसकी प्रोडक्शन को भी इनहिबिट करता है, और ताकि जो है वो डार्क स्पॉट को रिड्यूस कर सके और जो है हमारी स्किन को ब्राइटनिंग कर सके। तो मेलानिन को इनहिबिट करता है ताकि हमारी बॉडी जो है वो ब्राइटन हो जाए, ब्राइटन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 11, विटामिन डी। विटामिन डी का सबसे जो मेन इसका फूड सोर्स है वो है फिश, बीफ, कॉड लीवर ऑयल, सीरियल्स एंड सनशाइन। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है कैल्सीफेरॉन। और इस विटामिन को, विटामिन डी को और भी बोला जाता है सनशाइन विटामिन। अब इसको सनशाइन विटामिन क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये जो हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है इन द रिस्पॉन्स टू सन एक्सपोजर, की जब बॉडी जो होता है सन के एक्सपोजर में आ जाता है तो वो हमारी बॉडी में विटामिन डी जो है वो प्रोड्यूस होता है, तभी इसे क्या बोलते हैं, सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं। ये डिजीज़ कॉज करता है, जब अगर हम प्रॉपर विटामिन डी या सनशाइन ले लें तो हमारी बॉडी के अंदर रिकेट्स नाम की डिजीज़ जो होती है वो क्या होती है, हमारी बोन डेंसिटी को लॉस कर देती है, जिससे क्या होता है बोन फ्रैक्चर भी हो जाती है, मतलब बोन हमारी सॉफ्ट हो जाती है जिससे बोन में फ्रैक्चर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 12, विटामिन ई। विटामिन ई का जो साइंटिफिक नेम है वो है टोकोफेरोल, टोकोफेरोल। और इसका जो फूड सोर्स है वो है पम्पकिन, गुआवा, मैंगो, मिल्क, नट्स एंड सीड। इसको और विटामिन वी को मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या बोला जाता है, ब्यूटी विटामिन भी बोला जाता है, क्योंकि ये हमारी स्किन को यूथफुल दिखने में और नरिश दिखने में हेल्प करती है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो जाए बॉडी में, तो बॉडी के करती लूज़ करती है इम्यूनिटी और इंक्रीज़ करती है रिस्क ऑफ सेलुलर डैमेज की, सेलुलर डैमेज होना शुरू हो जाता है। और जो डिज़ीज़ होती है वो होती है सिस्टिक फिब्रोसिस, जो डिज़ीज़ काउज होती है जब विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर। नंबर 13, विटामिन के। विटामिन के मतलब ये जो मेनली दो तरह से होते हैं, एक होता है K1 एंड एक होता है K2। जो K1 होता है वो फाइलो क्विनोन नाम होता है उसका, और ये फाउंड किया जाता है ग्रीन प्लांट्स के अंदर। और नेक्स्ट है हम दूसरा K2, उसको मैना क्यूनिनोन भी बोलते हैं, और ये सिंथेसाइज होता है वाई बैक्टीरिया। जो हमारा K1 है वो फाइलो क्यूनिनोन वो ग्रीन प्लांट्स में बनता है, और जो हमारा K2 है मेन क्यूनिनोन वो बैक्टीरिया के द्वारा सिंथेसाइज हो जाता है। और विटामिन के जो होता है वो रिक्वायर होता है किसके लिए, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है हमारा विटामिन के, किसके साथ मिलकर, प्लस प्रोथ्रोम्बिन प्लस फैक्टर 7, 9
एंड टैन, ये तीनों मिलके जो है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो वो इम्पेयर्ड क्लॉटिंग हो जाएगी, मतलब ब्लड की क्लॉटिंग अच्छे से नहीं होगी, जिसके कारण क्या होगा, ब्लीडिंग, ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, और विटामिन के की डेफिशिएंसी होगी तो इंटरनल ब्लीडिंग भी ज़्यादा होगी। और इसको फूड रिसोर्स कौन कौन से हैं, टोमेटो, ब्रोकली, मैंगोस, चेस्टनट एंड कैश्यू। तो आज हमने किसके बारे में पढ़ा, आज हमने विटामिन के बारे में पढ़ा। ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं और हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस को पूरा करने में हेल्पफुल करते हैं। दो तरह के होते हैं, फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल। जो फैट सोल्यूबल होते हैं वो हमारे लीवर, बॉडी टिश्यू के अंदर स्टोर होते हैं, और जो वाटर सोल्यूबल होते हैं वो कहीं भी हमारी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होते हैं। जो फैट सोल्यूबल होते हैं उसके एग्जाम्पल है विटामिन ए, डी, ई एंड के। और याद रखना है कि जो वाटर सोल्यूबल हैं वो सिर्फ दो ही होते हैं, विटामिन बी एंड विटामिन सी। So that is about vitamins. Thank you and have a nice day.